वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह पर कोरोनल होल का पता लगाया। नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य की सतह पर कोरोनल होल कहे जा रहे एक विशाल काले क्षेत्र का पता लगाया है जो पृथ्वी से 20 गुना अधिक बड़ा है। इस होल से 29 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सौर हवाएं पृथ्वी की तरफ बढ़ रही हैं, जिनके पृथ्वी से टकराने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार इन सौर हवाओं का हमारे ग्रह पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सूर्य से आवेशित कणों का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, उपग्रहों, मोबाइल फोन और जीपीएस को प्रभावित कर सकता है। नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने 23 मार्च को सूर्य के दक्षिणी ध्रुव के पास कोरोनल होल की खोज की थी। ये छेद सौर हवा या भू चुंबकीय तूफान को अंतरिक्ष में अधिक आसानी से फैलाते हैं। प्रभाव के हिसाब से इन्हें G1 से G5 तक की रेटिंग दी जाती है। नासा गोडार्ड के हेलियोफिजिक्स साइंस डिवीजन के एलेक्स यंग ने बताया कि मौजूदा कोरोनल होल अभी बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई 300,000 और चौड़ाई 400,000 किलोमीटर है। इसमें एक के बाद एक करके 20 से 30 पृथ्वी समा सकती है। ऐसे में इस छेद से बड़ी मात्रा में सौर तूफान के निकलने की आशंका है। कोरोनल होल क्या होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोनल होल सूर्य पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र इंटरप्लेनेटरी स्पेस के लिए खुला होता है, जो सौर पदार्थ को तेज गति से सौर हवा की धारा में भेजता है। हालांकि इसमें सौर सामग्री कम होती है, इसलिए इनका तापमान कम होता है, इसलिए वे अपने परिवेश की तुलना में बहुत अधिक गहरे रंग के दिखाई देते हैं। कोरोनल होल कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक रह सकते हैं। ये एक अनोखी घटना नहीं है और पूरे सूर्य के लगभग 11 साल के सौर चक्र में दिखाई देते हैं।